गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 6 तितली और बाबू का अभ्यास कार्य याद करेंगे। जो सही का निशान लगाइए, जिसमें तीन उत्तर हैं और आपको सही उत्तर याद करना है। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि क का उत्तर मेहनत, ख का उत्तर सतरंगी, ऐसे नहीं याद करना है। पूरा आपको प्रश्न पहले पढ़ना है, फिर उसका उत्तर याद करना है। बाबू के पूरे बटा पूरे नंबर कैसे आए थे? उत्तर है आपका मेहनत से। बाबू ने कौन सी तितली को पकड़ा? उत्तर है आपका सतरंगी। किताब में रखने पर तितली का क्या हुआ? उत्तर है आपका मर गई। बाबू से कौन कौन नाराज था? फूल पत्तियां, चिड़िया तोता। उत्तर सही है आपका सभी। अब है देखिए वाक्यांशों को सही मिलान करने हैं, ठीक है? तो क ख ग घ आप यहाँ पर क ख ग भी डाल सकते हैं और वाक्य के सामने भी आप सही उत्तर लिख सकते हैं। पूरे बटा पूरे नंबर आने पर बाबू को शाबाशी, प्यार और दुलार मिला, यानी कि क। बाबू ने गुलाब को उमेट कर तोड़ दिया, जिससे वह करहा उठा, यहाँ पे आएगा ख। अब है आपका तीसरा। तितलियों ने बाबू को खूब दौड़ाया, थकाया, छकाया और पिदाया, तो ये हो जाएगा आपका ग। किताब में बंद करने से तितली मर गई थी, ये हो जाएगा आपका घ। तितली के मर जाने से बगीचे के फूल, पौधे, घास, पत्तियां आदि सभी बाबू से नाराज थे, ये आपका ड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके वाक्य के सामने सही वाक्य भी लिख सकते हैं। अब देखिए कहानी में कुछ वाक्य हैं जिनका क्रम आपको सही नंबर पे लिखना है। जैसे वाक्य में 10वें नंबर पे लास्ट में क्या बात हुई थी? बगीचे के फूल, पौधे, पत्तियां, चिड़िया, तोते सभी बाबू से नाराज थे, ठीक है? तो इसका क्रम आया 10। तो ऐसे ही 1 नंबर पे देखो क्या बात आई है, बाबू ने भी यही किया। मतलब बाबू ने बहुत खुश हुआ, बाबू के पूरे बटा पूरे नंबर आए थे तो बाबू खुश हुआ था। इसलिए लगातार कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। 3 3 नंबर, बाबू ने भी यही किया। 1 नंबर, गमले में रंग रंग के फूलों की बहार है। 2 नंबर, बाबू ने तितली को किताब में बंद कर दिया। 6 नंबर, तितली बहुत अकड़ी, अंत में पकड़ी। 5 नंबर, तितली ना हिली ना डुली। 8 नंबर, तितलियों ने बाबू से आंख मिचौली खेली। 4 नंबर, बाबू ने तितली को सहेजा। 7 नंबर, बगीचे के फूल, पौधे, पत्तियां, चिड़िया, तोते सभी बाबू से नाराज थी। 10 नंबर, उसे लाकर क्यारी में घास पर रखा, उसे मतलब तितली को। 9 नंबर, तो ये देखिए सही क्रम में वाक्य लगा दिए हैं। तो आपको भी जब आप किताब में एक बार कहानी और पढ़ो तो आपको ये क्रम अपने आप याद हो जाएगा, आप कहानी पढ़ोगे तब। अब है आपका देखिए अभ्यास कार्य में आपको ये मात्राओं वाले शब्द लिखने हैं, जिसमें आपके बहुत सरल हैं, आपको आती हैं। पहले छोटी की मात्रा के 4 शब्द, कुछ भी आप जो भी आपको याद हो, जो भी अच्छे से याद हो, जो जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं गिलास, चिड़िया, धनिया, बगिया, आप भी लिख सकते हैं। बड़ी की मात्रा के शब्द, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। अब आप क्लास फोर्थ के छात्र हैं तो छात्र और छात्राएं हैं तो आपको तो अपने आप ये आने चाहिए, और किताब अपने पाठ में से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब ये अभ्यास कार्य आप लिख कर देखिए और याद करिए।